मैं हूं निवेदिता। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के 3-0 से सीरीज पर कब्जे के बाद चौथा टी20 मैच खेला गया, जिसमें टॉस गवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने 166 रनों का लक्ष्य रखा और जवाब में कीवी टीम भी इतने ही रन बना पाई। यानी कि तीसरे टी20 मैच की तरह इस मैच का भी फैसला सुपर ओवर के जरिए होना तय हो गया, जिसके बाद सुपर ओवर में कीवियों के लिए टिम सिफर्ट और कॉलिन मुनरो मैदान पर उतरे और गेंदबाजी थमाई गई जसप्रीत बुमराह को। एक विकेट खोकर कीवियों ने सुपर ओवर में 13 रन बनाए। जवाब में भारत को जीत के लिए 14 रन बनाने थे, लेकिन केएल राहुल के शुरुआती बार के आगे कीवी पानी भरते नजर आए। केएल राहुल ने पहली ही बॉल पर छक्का जड़ दिया, फिर दूसरे बॉल पर 4 रन लगा दिए, जिसके बाद अब इंडियन टीम को 4 बॉल पर 3 रनों की दरकार थी। तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने जैसे ही शॉट मारा वो कैच आउट हो गए। उसके बाद अब कोहली के साथ मैदान पर आए संजू सैमसन। क्रीज पर कोहली थे, जिन्हें सुपर ओवर की चौथी गेंद खेलनी थी। टीम को जीतने के लिए बनाने थे 4 रन। कोहली ने चौथी गेंद खेली और उस पर बड़ी ही शातिरी से 2 रन भाग कर लिए। उसके बाद फिर क्रीज पर कोहली ही थे और पांचवी गेंद पर कोहली ने शानदार चौका जड़ दिया और इस तरह टीम इंडिया सुपर ओवर में 16 रन के साथ सीरीज का चौथा मैच भी जीत गई। इससे पहले शार्दुल ठाकुर की भी तारीफ बनती है, जिन्होंने मैच के आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 6 गेंदों पर महज 7 रन बनाने थे, लेकिन उन्होंने मैच के आखिरी ओवर में ऐसी गजब की गेंदबाजी की कि कीवी सिर्फ 6 रन ही बना पाए। मैच टाई हो गया और फिर सुपर ओवर में चला गया चौथे टी20 मैच का फैसला। इस मैच में न्यूजीलैंड के नियमित कप्तान केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में टिम साउदी ने टीम की कप्तानी संभाली और टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने मनीष पांडे के अर्धशतक के दम पर 8 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर खेलकर 7 विकेट खोकर 165 रन ही बना पाई और मैच टाई हो गया। तो इस तरह न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड की धरती पर हराने की इस ऐतिहासिक जीत पर अभी तक भारतीय टीम कायम है। संभव है कि पांचवें मैच में भी जीत दर्ज कर भारत न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप कर दे। अब इंतजार सिर्फ क्लीन स्वीप का है। क्लीन स्वीप होते ही मजा दोगुना हो जाएगा।